हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शादी के कार्ड पर नताशा ने जब अपनी माँ सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वो शॉक्ड रह गई। जिस राजन से वो जी जान से प्यार करती है, उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है? ये सोच सोच कर उसका खून खौले जा रहा था। शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? नताशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नताशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ सुष्मिता दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। माँ, तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही, आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए, माँ कहीं सौतन बनती है क्या? नताशा, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर नताशा अपने साथ लाई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी? ये कहकर नताशा सुष्मिता पर गोली चला देती है। आ! बंदूक से निकली गोली सीधे सुष्मिता के सीने पर लगती है और वो तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन नताशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। नताशा जोर से चीखती है। नताशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले की बात है। 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। सुष्मिता का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सुष्मिता, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। अरे अभी से ही? अभी से मतलब? अब तो एक महीने से भी कम बचे हैं तुम्हारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। आई लव यू राकेश। आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राकेश की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोच कर सुष्मिता की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो। वो हॉस्पिटल पहुंची लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। सुष्मिता अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके, अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफी है राकेश, नाइंसाफी है। सुष्मिता लगातार रोई जा रही थी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आह आह। सुष्मिता की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी। सुष्मिता उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुष्मिता विधवा, उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, मैं अपनी बेटी को खुद से पाल लूंगी, ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। सुष्मिता पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी नताशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। नताशा आज 21 साल की है।
सुष्मिता ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सुष्मिता ऑफिस में थी तभी नताशा का कॉल आया। मॉम, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊंगी। लेट? क्या बात है, कहीं जाना है क्या? वो माँ, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वहीं जाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी? अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। क्या मॉम, तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वो कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। अरे आंटी, आप तो कहीं से भी नताशा की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। गुड जोक, बाय द वे तुम दोनों दोस्त ही हो या उससे कुछ ज्यादा? सुष्मिता के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा झेप सा गया तो नताशा ने कहा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। राजन को सुष्मिता की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो नताशा से मिलता उसकी माँ के बारे में जरूर पूछता। अरे आजकल तुम मेरी कम मेरी माँ के बारे में ज्यादा पूछते हो, चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। राजन को लेकर घर चली आई। सुष्मिता उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि नताशा की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या, रात होने को आई? उत्तरी, 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि इस समय का पता ही नहीं लगा। राजन को सुष्मिता का साथ अच्छा लगता था, उनसे बात कर वो कई नई चीजें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। और वो इसलिए भी उनसे ज्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके नताशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो सुष्मिता के पास आ जाता। कभी कभी तो नताशा घर में नहीं होती तब भी। एक दिन की बात है, राजन और सुष्मिता हंस हंस कर बातें कर रहे थे तभी नताशा बाहर से आई। उन्होंने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वो लगभग चीखती हुई राजन से बोली, राजन तुम यहाँ हो, पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? फोन? अरे कब किया तूने फोन? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? ये तुम क्या कह रही हो? नताशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नजर रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है, उस दिन सुष्मिता की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। नताशा उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भांडा फोड़ करके रहूंगी। नताशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे राजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया, वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। बेटा राजन, मैंने अपनी नताशा को बहुत प्यार से रखा है, तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में ही थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं नताशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ मैं अकेली थी, जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। राजन, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी नताशा का बहुत ख्याल रखूंगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी नताशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला, उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई और कहा, आई लव यू मॉम, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आई लव यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।